बिहार के गया जी में पितृ पक्ष के दौरान पितरों के लिए पिंडदान की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ऐसा ही बिहार के गया स्थित मां मंगला गौरी मंदिर के परिसर स्थित भगवान जनार्दन मंदिर वह स्थान है जहाँ कोई भी जीवित व्यक्ति स्वयं पिंडदान और श्राद्ध कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास मृत्यु संस्कार करने वाले कोई नहीं है वह यहाँ जीवित रहकर अनुष्ठान कर सकते हैं। भगवान जनार्दन मंदिर गया के भस्मकूट पर्वत के ऊपर मां मंगला गौरी मंदिर के उत्तर में स्थित है। कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु जनार्दन स्वामी के रूप में पिंड का ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि आत्म पिंड दान करने वाले को परलोक में जाने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गया जी में वर्तमान में 45 पिंड वेदी हैं, जबकि 10 से अधिक तर्पण स्थल हैं, जहां पर पितरों का पिंड दान किया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में जनार्दन मंदिर वेदी एकमात्र एक ऐसा स्थल है जहां आत्म श्राद्ध यानी जीते जी खुद का पिंडदान किया जा सकता है। इस मंदिर में वैसे लोग अपना पिंडदान करने पहुंचते हैं जिनको संतान नहीं है, जिनका घर से मन विमुख हो गया हो, या उन्हें लगता हो कि उनके मरने के बाद कोई पिंडदान नहीं करेगा। आत्म श्राद्ध के लिए यहां 3 दिवसीय श्राद्ध किया जाता है। ये जनार्दन स्वामी का मंदिर है, यहाँ अपना श्राद्ध होता है। वो सब जगह पे वेदी है ना, तो वो अपने पितरों का अति पिंड होता है। यहाँ ये नहीं है, यहाँ सिर्फ अपना पिंड होता है। जिनका वंश में कोई नहीं है वो आके अपना यहाँ श्राद्ध देते हैं।